नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि तमाम एजेंसियों के धान क्रय केंद्र योगी सरकार की किसान हित नीति को पलीता लगा रहे, तो वहीं सरकारी लक्ष्य को पूरा करने की होड़ में बिचौलिए मालामाल हो रहे। आपको बताते चले कि सिधौली ब्लॉक के उमरिया गांव में एक घर में लगाए गए क्रय केंद्र में महीनों से फर्जी खरीद का सिलसिला लगातार जारी है। दिखाई दे रही है शाहजहांपुर में कितनी बड़ी कार्रवाई पिछले 24 घंटे में हमें दिखाई दी। जैसा आप जानते हैं, आगामी ये नगर निकाय के चुनाव हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में हमारे वरिष्ठ अधिकारी डीजी जोन महोदय और आईजी रेंज महोदय बरेली द्वारा कठोर निर्देश दिए गए हैं कि इस पे प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की जाएँ सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध, ताकि चुनाव सकुशल और शांतिपूर्वक संपन्न हो। इसी क्रम में बीते 24 घंटे में जनपद शाहजहांपुर पुलिस द्वारा 81 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिनमें से थाना खुटार और थाना कोतवाली में अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी हुई है, जिसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। थाना खुटार से 1 किलो 825 ग्राम अफीम बरामद हुई है एक चारपहिया वाहन से। इसी प्रकार थाना कोतवाली से 250 ग्राम चरस बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त 52 अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध शराब की बरामदगी में कार्रवाई की गई है, जिनमें लगभग 1000 लीटर के लगभग शराब, अवैध शराब बरामद हुई है। और इसके अलावा 5 भट्टियां बरामद की गई, जिन्हें मौके पर नष्ट किया गया, और लगभग 3000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। और इनके जो अपलिंक्स और डाउनलिंक्स हैं, इनके बारे में भी गहनता से छानबीन की गई है और उसके अनुसार कार्रवाई आगे की जा रही है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 81 अपराधी इस रोज की कार्रवाई, 24 घंटे की कार्रवाई में पकड़े गए, और ये कार्रवाई निरंतर चलेगी और इसको सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी अपराधी हो उसके विरुद्ध कानून अपना काम करे, कठोरतम कार्रवाई। मैनपुरी में उपजिलाधिकारी गोपाल शर्मा ने अवैध खनन की सूचना पर ग्राम कंचनपुर में छापा मारा। छापे के दौरान मौके पर 4 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी लदी हुई जब्त की गई और 5 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बीती रात जो आपने कार्रवाई की है, अवैध खनन जो ट्रैक्टर पकड़े हैं, संबंध में किस तरीके की कार्रवाई करी आपने? कल दिनांक 19 दिसंबर 2022 को हमको लगभग रात में 11 बजे ये खबर मिली कि ग्राम कंचनपुर में जेसीबी के माध्यम से अवैध जो मिट्टी है उसको खोद करके मृदा खनन का कार्य वहाँ किया जा रहा है। उसी क्रम में तत्काल हमने अपने तहसीलदार और नायब तहसीलदार के साथ मौके पे विजिट किया और विजिट में ये सूचना सही पाई गई। उसी क्रम में वहाँ पर हमने 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि बालू से या मिट्टी से लदी हुई थी उनको पकड़ा, और पकड़ने के बाद उनको मैं चालकों सहित चालकों को गिरफ्तार करके थाने में है अभी, और उनको सभी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सबको जेल भेजा जाएगा और जो मिट्टी खनन है उसकी सुपुर्दगी नामा हमने थाने में दे दिया है और इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को भी हम। रायबरेली से खबर है, जहां पर जिला प्रशासन की लापरवाही से खुलेआम हो रहे चाइनीज मांझे की बिक्री से आए दिन लोग घायल हो रहे। वहीं चाइनीज मांझे की चपेट में आने से ड्यूटी कर रहे रेलवे कर्मचारी को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, वो घायल हो गए हैं। ड्यूटी से ऑफिस से वापस आ रहे थे मेरे हस्बैंड, और चाइनीज मांझे से इनके गले में चोट आई है। ये ओवर ब्रिज से उतर रहे थे आईटीआई वाले, वहीं पे ये हुआ है हादसा। तो हम बस ये चाहते हैं कि इस पे कार्यवाही हो तुरंत, कि चाइनीज मांझा खरीदना और रोक बेचना दोनों रोका जाए, बिल्कुल उस पे बिल्कुल बैन हो, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इस पे बिल्कुल तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए, इसको तुरंत बंद करवाया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब कोरोना था तब असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए गए, इस दौरान बीजेपी को निशाने पर लिया है। मतलब ये है कि अब यात्रा रोकने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं?
है ना, जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव आप कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए, अब पदयात्रा को रोकने के नए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दी, आपको सुनाएंगे। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश परीक्षण संशोधन विधेयक का भी समर्थन कैबिनेट के द्वारा किया गया है, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण संशोधन है जो पेयजल के लिए मध्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। इसमें मूल रूप से अभी तक ये होता था पेयजल वाले में कि जब कोई वाटर लेवल नीचे जाता था तो कोई बोरिंग अगर किसान कराता था तो सीधा जेल का प्रस्ताव होता था, उसे अब पहली बार के लिए जेल वाले को हटा करके जुर्माना कर दिया है। ये किसान को बड़ी राहत कैबिनेट के द्वारा दी गई। मध्य प्रदेश की कैबिनेट में आज जो आंगनवाड़ी भवनों में विद्युत व्यवस्था, अभी तक आंगनवाड़ी के जो भवन बने हुए थे 31,400 आंगनवाड़ी केंद्रों में विद्युत के लिए कोई राशि आवंटित नहीं होती थी, आज 3 चरणों में मध्य प्रदेश की सभी आंगनवाड़ियों में, प्रथम चरण में 14,214, द्वितीय चरण में 10,907 और तृतीय चरण में 6,304 आंगनवाड़ी भवनों के शिलान्यास विद्युत व्यवस्था के लिए आज राशि का आवंटन 79.7 करोड़ रुपए के बजट के आवेदन को सहमति कैबिनेट के द्वारा दी गई। आज मुख्यमंत्री जी ने 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक प्रत्येक जिले में विकास यात्रा निकालने का तय किया है, जो अनेक विकास के कार्य जिलों के अंदर चल रहे हैं, प्रारंभ होने वाले हैं या पूर्ण हो गए, इन विकास के कार्यों का 1 फरवरी से 15 फरवरी तक शिलान्यास और उद्घाटन, ये दोनों पूरे प्रदेश में एक साथ किया जाएगा। प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों के बड़े कामों का शिलान्यास अथवा उद्घाटन, उनसे छोटे कामों का सम्मानित। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, वो वीडियो आपको सुनाएंगे। मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। ये हिम्मत का देश है, महाराणा प्रताप जी का देश है और इसको डराया नहीं जा सकता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है और अगर डरोगे नहीं नफरत नहीं पैदा हो सकती। देश में सबसे बेहतर स्कीम गरीबों के लिए राजस्थान में, चिरंजीवी स्कीम ने लाखों लोगों के दिल से दर्द मिटाया, मनरेगा स्कीम जो गांव में होता था उसको आप शहर में लाए, इस 1700 इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए गए, आपने महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन देने का काम किया, विकास का काम बहुत अच्छा किया, तो इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी जड़ पकड़ी उस दिन यहाँ पे कोई नहीं हरा सकता। मार्क माय वर्ड्स, द बीजेपी इज गोइंग टू बी टेकन डाउन बाय द कांग्रेस पार्टी। एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस सांसद नकुल नाथ का एक वीडियो शेयर किया है।
तो राहुल गांधी जी के साथ पूरे मध्य प्रदेश में उनके साथ घूम रहा था, लेकिन मैं परासिया की जनता को बताना चाहता हूँ कि परासिया विधानसभा में ओरिजिनल भारत जोड़ों से भी ज्यादा भीड़ है, ओरिजिनल भारत जोड़ों से भी ज्यादा। मैं तो एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने नकुलनाथ के बयान पर वहीं पर तीखा हमला बोला है, तो वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा, आपको सुनाएंगे। की बात जबान पर आ ही गई, यथार्थ सामने आ गया। हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी का, ये हमने नहीं कहा। हमने पहले दिन से कहा था कि यात्रा फ्लॉप है, पर नकुलनाथ ने उस पर मोहर लगा दी। और नकुलनाथ केवल कमलनाथ जी के बेटे ही नहीं है, वो सांसद भी है छिंदवाड़ा के। तो अब कांग्रेस का सांसद ही कह रहा है कि राहुल जी घर बैठ जाओ, आपकी यात्रा फ्लॉप हो गई। और यही बात कमलनाथ जी भी कह चुके हैं। कमलनाथ जी का दर्द भी चाहे दिग्विजय सिंह के वार्तालाप से या फिर एक संत के बीच में बैठकर आ ही गया था, तो ये तो सुनिश्चित हो गया कि बी और सी ग्रेड की अभिनेता अभिनेत्रियों को पैसे से बुलाकर भी राहुल गांधी की यात्रा में जनता इकट्ठी नहीं हो रही। इकट्ठे हो रहा है तो केवल टुकड़े टुकड़े गैंग के चंद लोग। नेहरू परिवार ने हर समय सेना का, सैनिकों का, देशभक्तों का और शहीदों का अपमान किया है, क्योंकि कांग्रेस का एक एजेंडा है कि वो केवल नेहरू परिवार को महिमा मंडित करना चाहती है। इस देश में पूछे जाए तो जवाहरलाल नेहरू, इस देश में पूछे जाए तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इस देश में पूछा जाए तो केवल नेहरू परिवार। इसलिए बाकी शहीदों को अपमानित करो, मेरी कमीज उजली है इसलिए दूसरे की कमीज पर छींटे उछालो, ये कांग्रेस की मानसिकता है। और ये जो खड़गे जी ने कहा, ये शहीदों का अपमान है और शहीदों का अपमान ये देश सहन नहीं करेगा। वो सेना और सैनिक जिसके कारण ये हिंदुस्तान है, चाइना की सेना को जिस प्रकार से हमारे सैनिकों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और हमारी सीमाओं की रक्षा की, उस पर राहुल गांधी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पिट रहे। अब आप इस तरह की बातें करोगे तो देश का आम नागरिक तो आप पर कुछ ना कुछ कहेगा ही। तो वही है, आपका व्यक्तित्व और आपका व्यक्तित्व का निर्माण आपके कृतित्व से होता है, राहुल गांधी का कृतित्व भी ऐसा। संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें कार्य दिवस को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक विवादित बयान को लेकर दोनों सदनों में हंगामा हुआ, वो बयान आपको सुनाएंगे। जितने भी एजेंसी है उन एजेंसी का उपयोग करके उन्होंने सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वाले कभी नहीं डरेंगे। देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान दी करी है, राजीव गांधी जी अपनी जान दिए है इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? ये मोदी सरकार अपने आप को जो पीठ थपथपा लेती है और कहती है कि कोई हमारे तरफ आग खोलकर, यानी हमको कोई डरा नहीं सकता और हम इतने मजबूत है कि कोई हमारे तरफ देख भी नहीं सकता। अरे भाई, आपके तरफ कोई हाथ उठाता नहीं है। आपके रोज समस्याएं बॉर्डर पे बढ़ रहे हैं और आप तो पहले यही बोले, अगर कोई आंख उठा के देखा तो उसको हम उसको शिक्षा दिलाएंगे। और मैं पूछता हूं, जो सरहद पे इससे पहले हमारे 20 लोग गलवान के इसमें जिनका जो शहादत दिए, उसके बाद 18 बार
मोदी जी और चाइना के प्राइम मिनिस्टर मिले, झूले में बैठ के खेले, सब कुछ हुआ, लेकिन ये क्यों हो रहा है? फिर रोज चाइना आज जो आक्रमण कर रहा है उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। हम कह रहे हैं उनको, भाई हम सदन में बात करना चाहते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में हम नोटिस देते हैं। नोटिस देने के बावजूद भी वो चर्चा के लिए तैयार नहीं। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इतना अभद्र भाषण दिया है अलवर में और इतनी बुरी तरीके से, इतनी बुरी। हियर योर लीडर, यू कांट हियर योर लीडर इवन। बहुत बहुत दुर्भाग्य है। सुने, सुने। जिस प्रकार का भाषा का उपयोग किया गया। एवरीवन विल बी हर्ड इन रैप्ट अटेंशन, लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन। जिस प्रकार एंड देयर वॉइस मस्ट बी हर्ड प्लीज। जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और उनसे माफी की मांग करता हूँ। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और जिस प्रकार से अभद्र भाषा उन्होंने उपयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सोच का दर्शन दिया, उन्होंने अपनी बहुत ही ईर्ष्या का दर्शन दिया। उनकी ईर्ष्या हो सकती है, उनको हमसे मतभेद हो सकती है, उनकी जेलसी होगी कि उनको तो मात्र 50 सीटें मिली, हमको 303 मिली। उनको ईर्ष्या और दुख हो सकता है कि उनकी पार्टी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन इस प्रकार का अभद्र भाषण देना मैं समझता हूँ सभी का अपमान है, इस सदन का भी अपमान है और देशवासियों का, देश के हर वोटर का अपमान है। उल्टे उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर और उनकी लैंग्वेज, तीनों की मैं निंदा करता हूँ, उनसे माफी मांगता हूँ। मुझे याद आता है गांधी जी ने जो कहा था आजादी के बाद, गांधी जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी को ही वाइंड अप कर देना चाहिए। खड़गे जी उसका जीता जागता प्रतीक है और दिखा रहे हैं देश को गांधी जी ने सत्य कहा था। और ऐसे अध्यक्ष एक पार्टी के जिनको भाषण देना नहीं है, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और वो माफी नहीं मांगे तब तक उनको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर लगातार सियासत जारी है, लगातार आक्रोश व्याप्त है। तो वहीं इस बयान का जवाब दिया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, आपको सुनाएंगे। हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया, तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। उस समय हम थे या नहीं थे, हमारे कुत्ते भी थे या नहीं थे, औरों के कुत्ते हो सकते हैं, हम कुत्तों वाली परंपरा से पले बड़े नहीं हैं। तो वहीं आपको अगली खबर से रूबरू करा देते हैं। दरअसल अगली खबर आपकी महाराष्ट्र से है, जहां पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया और कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 3 महीने पहले जो क्रांति की थी उसी का एक भाग कर्नाटक सीमा विवाद भी है।
महाराष्ट्राचे क्रांतिकारक मुख्यमंत्री त्यांचं काय म्हणणं आहे ते समजून घ्यावं लागेल, कारण त्यांनी 3 महिन्यापूर्वी जी क्रांती केली आहे महाराष्ट्रात त्या क्रांतीचाच हा एक भाग कर्नाटकात दिसतो. मुंबई काय म्हणतात त्यापेक्षा महाराष्ट्र काय म्हणतोय महत्त्वाचं. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सातत्यानं या संदर्भात बोटचिपी भूमिका घेत आहेत. गृहमंत्री अमित शहाने मध्यस्थी केली म्हणजे काय केलं, जैसे थे परिस्थिती म्हणजे काय. एवढं करून सुद्धा बोंबई ज्या पद्धतीची भाषा वापरतात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, याच्यावर तुम्ही काय जबाब देणार आहात का? नाही, 1 इंच जमीन देणार नाही आणि महाराष्ट्रातल्या जागांवरचा हक्क सोडणार नाही. इतकी बेअब्रू महाराष्ट्रात गेल्या 17 वर्षात कधी बाजूच्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली नव्हती. सीमा प्रश्न जर जुना असला तरी एकमेकांच्या राज्याविषयी आदरभाव ठेवून हा संघर्ष सुरू होता. अधिवेशन की शुरुआत से पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक और प्रदेशाध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने विभिन्न विषयों पर बात करते हुए प्रतिक्रिया दी है. इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे. कमेटी हो चाहे महमूदुर रहमान कमेटी हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आईएएस अफसर, इन सब ने कहा कि मुसलमानों के हालात खराब हैं, कहीं ना कहीं वो दलितों से भी पीछे हैं, इसलिए इनको 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, परंतु रिजर्वेशन आज तक नहीं मिला. हाईकोर्ट के मानने के बाद, हाईकोर्ट के रिकग्नाइज करने के बाद भी 5% तुरंत दिया जाए एजुकेशन में, आज तक नहीं मिला. इस मांग को मैं नए जो मुख्यमंत्री बने हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है, आपने कहा कि सबके साथ इंसाफ होगा तो मुसलमानों के साथ भी इंसाफ करते हुए 5% रिजर्वेशन जल्दी दिया जाए, ये हमारी मांग है. और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही. आप देखते रहे आर्या न्यूज.